एक कहानी बाटे हर वो आदमी के जे अपने छोटी चुकी गांव से चौकी चूल्हा से अपने खेत खलिहान से हरा भरा बचपन के याद छोड़ के बम्बई जैसन बड़ शहर में जिए के सपना देखलस। माई हा? आज कौन दिन है? अरे बचवा सोमवार न हो? हाँ आजे तो छेदी आवे वाला बा। लागत आ कि छेदिया के मामा के गांव से ज्यादा मौसी घर अच्छा लगेला। काहे ना है? वो हमरा के मौसी कहेला जरूर, लेकिन आपन माई से कम ना समझेला। मंगरू, ए मंगरू। अरे वो घरे में ना हो, कहीं गईल हो। वो जरूर लौंडा लफाड़ी के साथ खेल कूद में लगल हुई, और का करी। जय भोलेनाथ, कल्याण करी बाबा। अरे मंगरू बेटा, हाँ बाबा बाबा। पंडित जी प्रणाम। जिया जिया जिया, बड़ा नीमन बेरा पर आयल बाड़ा, अभी भगवान के भोग लगते वा। अच्छा ए, गुंजा मंगरू के प्रसाद क्या हाँ, वा? हाँ, हाँ। ले भैया। गुंजा आजकल घरे नहीं खुआवत, आज ही बहुत खोजत है तोहरा के। कैसे आई? सवेरे फूल तोड़ी, प्रसादी के लिए फल काटी, गाय के चारा दी, बाबूजी के पानी गर्म करके दी, और बस 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 गलती हो गई। हम बूझ गए बड़ी देवी से ढेर व्यस्त बाड़ू। अरे तू मंगरू के पास पानी लेके आवा, जा जा जल्दी जा। अब मंगरू आवा। इका फरके रहो फरके, नो टचिंग नो टचिंग। अरे हटो, अरे बा, अरे हटो रे, चलो चलो यहां से हटो। दूर दूर। अरे भैया ये कौन है लाल पियर पहनले है? यह छेदी मंगरूक मौसिक लड़का, मुंबई से आयल बा। मुंबई से? ये तो जोकर दिखाता हो। जोकर ही बा। अरे बच्चा लोग, अरे छेदी पाए लागू पाए लागू। अरे खुश रहा बचवा, भगवान तो ही बनो ले रहे। बैठा मौसी खुश रहा। ये कैसे तू बनावले बड़ा बाबू? ये है बम्बैया स्टाइल, झक्कास बम्बैया। अच्छा अच्छा बैठा बैठा, हम तोहरे खातिर पानी लेके आवा तानी। आजी छेदी भैया के गर्दन में दूरबीन लटकल बा। ये का होला? तू ऐजे बैठल अपनी रसोई देख ले बू, बिलाई दूध पिए की ना? देखा ना ना देखा देखा। अरे ना ना, ल पानी पिया। छेदी भैया, छेदी भैया मिठाई कहाँ बा? दोनों हाथ बाजल रहे तो मिठाई कैसे लाती? हेले दो रुपया भागे यहाँ से। अच्छा जा तू लोग, यहाँ इतना भीड़ मत लगावा, जा। देखो तो भेजा। अरे बेटा गांव से बहुत फर्क बा बुझलू। अरे बहुत बड़ा शहर बा बम्बई में तो खेले पीले आराम। अरे छेदी हाँ आराम बा। अरे मौसा जी पाए लगे, मौसा जी खुश रहा खुश रहा। अरे आप छेदी तो बिल्कुल शहरी लागत बा। मौसा जी शहर में रह के बा तो थोड़ा टिप टाप जरूरी बा ना। बाकी बताबा रास्ते में आपे कोनो तकलीफ तो नहीं के भइल ना? कोनो दिक्कत ना भइल, बस में तो कंडक्टर पैसा ना लेल बा। उ का है ओकरा के भर रास्ता दूरपिन दिखाओ आइली है। दिखाओ तो आइली है। मंगरू नहीं खेल ओकत? अरे वो गइल होई कहीं, चला अब तू पहले कुछ खा पी ला। ना हम तो मंगरू के साथ खाई। हां हम जात हैं देखो। अरे बचवा सुने तो पंडित जी को बात बताई का कि भगवान जी कब कब इतना कठोर काहे हो जाना? क्योंकि पास खाए के पैसा नहीं थी, क्योंकि पास दवा दारू के पैसा नहीं थी,
क्योंकि पास नौकरी नहीं, जबकि वो चाहे तो एक क्षण में कुल कर सके ना। तब तो ये दुनिया आलसी काहिल और एकदम में निकम्मा हो जाए। पंडित जी गोर लगता नहीं जिया, पंडित जी गोर लगता नहीं जिया, पंडित जी गोर लगता नहीं। अरे गोर रहे पंडित जी, गोर लगता अरे मार दे विक्रांत, मार के खराब कर दो। मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरी दूरबीन अरे सारे बचाओ भैया है एक सामान। अरे 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 छेदी बाबू, अरे बाप रे का बैला हो। अरे बाप रे, जितना तेज हम गाड़ी नहीं भगावले उतना तेज एक कुकर भगा देना। अरे मर्दे पूरा बाजार दे पले घूमत आना तो कुकर ने तक परी दौड़ाई चल जाओ तड़का ना, हम तो घर से आवत। अच्छा अच्छा पानी जी बोलगा पहला की पुजारी जी। जी है जी है जी है, बैठा बैठा पानी पी ला। अरे ए गुंजा। अच्छा हां बाबू जी। अरे हां फे लगा मर्दे गुंजा बहुत भगा पानी ले आवा बचिया, मेहमान आइल बाड़न। छेदी हम बॉम्बे रहला। अरे उनका पता चले रे क्या करता है छेदी। और सुनाओ का हाल चाल बा। देखते बड़ा बड़ा हाल बेहाल बा, तोहरे के ले आवे आईली हई। और तो हम के कले रहता, हम तो लड़का पढ़ाते रहता, हम घर चले थी। चलो चलो घर चले के। हाँ चलो चलो पानी। अरे हाँ हाँ एक चलो पानी पी ला। बड़ा अच्छा लड़का मेरा, मौसी के लिए ना पंडित जी सुई रहेला बड़ा कमाला हो जी, सुंदर बॉडी का जीट जाट में आई। कुछ कहने का ना, ना कुछ महनी बहुत पैसा कमाता थे जी। अरे दूरबीन देखबो का छेदी। चल चल। अरे अरे काहे गिरता रे भरात रहले रे। अच्छा पंडित चलता नहीं जा पाला जी 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 चलो खुश रहा। अरे दादी अब सरकार भीरी कहां काम बा। अच्छा छेदी भाई तुम्हारा काम का करेला। काम काम हम करेला तो लोग हमारा काम करेला। का मतलब कोनो कंपनी होई हमार आपन कंपनी बा, वहां हम ही होकर मालिक हैं। हम जोन चाहिला वही होखेला। ओ भैया तो बहुत बड़वार कंपनी बा ना का। अरे पूरा बंबई देखे के पड़ेला। अरे बेटा पहले खाएला फिर बतियही है खाना बचवा का भाई। मौसी थोड़ा दाल बस अब रहा इधर। बेटा आरती ले ला। जय हो माई। मंगरू कहाँ बा। अरे हुई है घरे में और कहाँ जाएंगे। मंगरू हाँ मंगरू बाजी पा रहे। खुश रह बेटा खुश रह। अरे बेटा इले 50 रुपया रखा और जाके बाई जी के दे दिया। 50 रुपया आज ही के दवाई 50 रुपया के दिलो। हाँ अरे ये सब कहे से का फायदा, तू जा ना यहाँ से जाके दिया बा। ठीक रुका तानी दूध पी के तब जा। आके पी ले माई। पिया राम माया सब जग जानी, करम प्रणाम गौर भगवानी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा। का भइल काका फुकन का भइल का बताई बचवा का हो गइल बोलो। एक तो तोहर काकी बीमार बा, 4 दिन से खाट में पड़ल बा, जानते बाड़ ये सब फसलों कमजोर बा, घर में एगो ढेला नहीं छे जोनों का दवा दारू कराई। अरे तो बैद जी भी कहने चल गिला कुछ दवाई लेने के चाहिए ना। अब ना दीहन उधारी, पहले कहीं 40 रुपया बाकी बा और जाए तो भी पैसा लागी। अब भगवान ही जौन करें, अब उनका ही आसरा बा। एक काम करो है, है 50 रुपया ला। अरे बचवा ई का रख ला काका, जाके तू पहले दवाई ले ला, हमरो काकी ही है ना, जब मन करे तब दीहा। जा बचवा खुश रहा। जल्दी दवाई ले ला। दिखाई देता ना ए में तो खाली चिरैया लोकता ल चिरैया देखबो तो चिरैया दिखी ना, जहाज थोड़ी ना दिखी। जहाज त ए में जहाज दिखेला, हमरा के जहाज दिखाओ ना, दिखाओ ना हमरा के जहाज। अगर जहाज देखे के बा तो हमरे साथ बंबई चले के पड़ी। सच्ची बंबई में बहुत सारा जहाज उड़ेला। अरे जितना एजे आकाश में चिरैया नहीं खे
ओकरा से ज्यादा वहाँ जहाज बा। हम हाथ जोड़ता नहीं महाजन जी, हमारा के कुछ दिन की मोहलत और दे दी। रतन, हमें एक दिन की भी मोहलत ना दे, हाँ हमारा पैसा दे दे बस। रघुआ तो जानते बानी ये सब फसल कमजोर है, घर में खाइल मुश्किल भइल बा। तू क्या चाहता हुआ, हाँ दो बोरा चावल और भिजवा दी, हाँ खाइल मुश्किल भइल बा। सब दुख सुख में हमेशा रहुए तो साथ डोली है, आज हम मुश्किल में बानी तो रहुए ना आसरा बा। देख रतनवा, हम फालतू बात ना सुना, चार महीना के मोहलत हो गई, हमार रुपया गिन दे बस। अरे एक मिनट भैया, कहाँ हो गिल हो? हमरा घर में खाए के चौरो नहीं थे, अब महाजन जी जिदियाई बढ़ के आज ही पैसा दे, कहाँ से दे आज हम। महाजन जी ये कुल परेशानी बटे लोग ना, थोड़े दिन बाद मिले ले। तो इनका नहीं खे जानत मंगरू, ये लोग ऐसे नहीं बा, एक महीना के मोहलत लेके पैसा लेलस, आज चार महीना हो गई बा, ऐसा धंधा चलल तो का हुई बतावा। आज मोहलत के लास्ट टाइम है बस। अच्छा देख लीजिए आपस में, झगड़ा झंझट नहीं होके चाहिए, ठीक ना, फरिया लीजिए आपस में। ना ना अब हम कुछ ना सुना, चला रे लोगन बाइल खोला, चला चला ना हम कुछ ना सुना, ना हम कुछ ना सुना, अब हम कुछ ना सुना। ए ए ए चल खोल। अरे क्या करता हूं भाई, मगरू भैया देखो ना हमारे बैल लेके जात, मगरू भैया समझाई ना इनके। नहीं नहीं कितना पैसा लेवे के बा? 3,000 रुपया। एक काम करी, 2 हफ्ता के मोहलत दे दी, ठीक ना, अगर 1-2 हफ्ता में नहीं दी तो हम पैसा दे दे। ठीक है, लेकिन ये बात पता नहीं चले चाहिए, ठीक ना। ठीक है, तो कहा था हुआ तो हम मान जाता है। चल बड़ी कृपा। ए चला रे चला रतन, हम तोहरा के कुछ दिन के मोहलत दे देते हैं, जल्दी है पैसा पहुंचा दिया, चला रे चला। देखा तनी तोरा हाथ में जहाज देखे की रेखा, बाकी ना तोरा दिल के देता। आप कैसे न लगे था गुंजा पप्पू आईली, जा जाके खाना बनावा जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पुजारी तो छेदी भैया तू आई जा बैठल बाड़ा, तब पुजारी जी के गोल लगला कि ना लगले रहली? कब बार? एक बार, 3 बार लगले रहता तो बड़ा खुश होता हूँ। एमे का बा अभी लगले था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी गोल लगता नहीं? जिया जिया, ओम नमः शिवाय। पंडित जी गोल लगता नहीं? अरे जिया जिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी गोल लगता नहीं? अरे जिया जिया, गोल लगता नहीं, गोल लगता नहीं, गोल लगता नहीं। देखा जा बाबू लोग, हमेशा जौन भी काम करे बड़ के सेवा करे के चाहिए, जी अपना घर में बड़ बा। हाँ अच्छा दी, ए दूरबीन। अरे अरे बैठा बैठा बैठा, ये क्या है मंडली? तनी सा हमने क्यों ज्ञान वर्धक बात जरा चलतल, घबराई लगता बा, कैसे गांव में सब अच्छा लगता ना। अरे वो पुजारी बा ना मंदिर में? हाँ वो दौड़ा ले लो, पर नाम के ले रही तो दौड़ा ले लो। 3 बजे के लड़का? हाँ देखा यो सब चीज ना, छेदी बाबू गांव में देखे के मिलेला, तोहरा बॉम्बे में नहीं मिल सकेला। बॉम्बे? अरे बॉम्बे की तो बतिया ही नहीं रही है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, चाकर चाकर रोड, और जहां तक दिखे उतना बड़ा समंदर। इतना बड़ा समंदर, हमारा गांव का पोखरा देखले बड़ो, हमारा गांव का गली देखले बड़ो, कबो नहीं मिल सकेला। रुका 2 मिनट तक बताओ, हाँ जा जा बच्चों तू लोग, जा जा जय हो, जा जा जाता का छेदी। अगर छेदी से पैसा मांगी तो महाजन के कर्जा दिया सकेला, फिर वापस हो जाए, देखा था नहीं। अरे मंगरू प्रणाम, बैठा बैठा जाता वा का आजे जाए के चाहत रहे हमरा, बहुत दिन से बाहर बानी ना। अच्छा छेदी भाई, एक महीना में कितना कमा लेते हुई वो? कबो 10,000, कबो 20,000, कबो 7,000। अच्छा कोई उधार पैसा मांगे आवत हुई तो ही में देवो के पड़त हुई? इस साला लेवे देवे की बीमारी हमसे ना होला, ना केहू से लैला, ना केहू के दैला, ये हाथ पसारे वाला जिंदगी भर हाथ ही पसारेला। अच्छा विचार बाटे,
आवतनी हम का छेदी जाए का तैयारी होत बा का। हाँ मौसा जी कामो धाम तो देखे के बा। ए बचवा अपने संगे मंगरो के काहे नहीं के शहर ले जात, वो ओहे जा कुछ करत दिखते बाड़त, ए जा ए द्वार से ऊ द्वार, मंदिर से घरे, बस इहे करत रहेला। वहाँ कुछ काम धाम करत तो ओकरो मन लग जात। ओकरा के भी ले जाना का बा, बॉम्बे बड़ा फास्ट शहर बा, खरगोश वाला फुर्ती चाहिए वहाँ। अब मंगरू भाई चले ला कछुआ चाल, वहाँ फिट होइल जरा मुश्किल बा। अरे भाई जैसे सब करत बाटन वैसे वो करी। अब मंगरू वहाँ पथन आना थोड़ी, हमरो इज्जत बा, कहीं ढंग के काम करी और वैसे काम देखे के पड़ी। अरे तो कौनो ढंग के काम ओकरा के करा दा। हम तो मंगरू के कहले बन फिर भी चिट्ठी लिखो। तनी चिट्ठी जल्दी लिखे। अच्छा भोर की गाड़ी से जात हो? हाँ। अच्छा 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 जाते हैं। चाचा का होत बा? का होत बा? अरे देखी ना खेतवा में कामे तो होत बा। अच्छा बैद जी का कुछ रुपया बाकी बा का? बाकी तो रहल, बाकी हम तो दे देली हैं। वो तो हमसे कहले बाड़े। का कहले बाड़न? कि उनसे कह दिए कि 50 रुपए भिजवा दें। बाकी हम तो भिजवा देली हैं। हमार जोन काम रहे कहे के कह देली। मंगरू आ गई तक बैद जी का पैसा नहीं देलेस, ये कैसे? राम राम रामदाल जी। राम 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 राम। का बात बा के चल बारी का? ना ना ऐसा कोनो बात नहीं के, हम ध्यान ना देले हैं। ली अब आइए तो ध्यान देवे के समय बा, 3-4 दिन बचल बा। हम बुझली ना। बुझली ना? ना मंगरू ना कहला का? का? अरे रतनवा के 3000 रुपया ओका देवे के बा। कैसन 3000? कैसन सही बात बा। हाँ अच्छा आंख बंद चल रखा, हटाओ हटाओ। अरे वाह एमा लिखल बा कि होई है वही जो राम रचि राखा, यानी यानी कि प्रश्न श्रेष्ठ बा और कार्य उत्तम होई। अरे वाह ओ बहुत पैसा कमाई। अरे का करबे ता पैसा कमा के? अरे करी का अपना माई खाते हमार बेटवा गहना गुट्ठी बनवाई बनवाई बे ना। ले इतना बक्सा भर के गहना रख ले बड़ू, अब का करबू गहना? अरे नहीं हमार बचवा हमें तीरथ कराई। का बचवा तीरथ करेबा ना? अब इन्हें विंध्याचल बनारस बक्सर होके आइलू है ना। अरे तो फिर का करबे इतना पैसा कमा के तू? हमरा पास पैसा हो जाए ना तो सारा गांव के कर्जा उतार दे। वाह रे दानी। साचो दादी हमरा पास पैसा रहित ना तो सोखा के भैंस खरीद देती, रतनवा के नगद पैसा दे देती, गांव में एगो पाठशाला बड़ी तबन्ना बा एगो पाठशाला बनवा देती, धर्मों के खपड़ा छवा देती और लक्ष्मीनिया के ब्याह करा देती और हमरा के भिकमंगा बना देता। ये ना हाँ ये का कहा तानी जी? पूछा ना अपने लड़का से कि कितना कर्जा से कर्जा ले लेबा और हमरे माथे का बोझ बढ़ा लेबा। आई हाँ कहो मंगरू। अरे ये का है बताई? हाँ एक तो बैठ के खात बा काम धाम नहीं के और ऊपर से कर्जा का बोझ बढ़ावत बा। केकर कर्जा ले लेबा बतावा? बैद जी का 50 रुपया नहीं खे देलस, पता नहीं कहाँ उड़ा देलस, जुआ खेले ले हुई। ना ना हमार मंगरू ऐसे ना कर सकेला, वो जुआ कबो ना खेल सकेला। जुआ ना खेले। अरे और सुना रतन के यहाँ महाजन अपन 3000 रुपया वसूले गए रहे, वो कर्जा चुकावे के जिम्मेदारी ई ले लेलन। हाँ बहुत बड़ा दानी बनत हुआ केकरा बूता पर, कितना कमाई करके रख ले बाड़न अपने पास, पूछा इनकरा से? तनिको शरम बा, हमरा कमाई पर खात पियत हुआ और कर्जो चढ़ावत हुआ। देख मंगरू तू एक बात आज कान खोल के सुन ले, जो जाके कमाओ और अपन कमाई गांव जमात में खूब धुल खोल के उड़ाओ। तोरा से हमरा एक भी पैसा ना चाहिए, ना तो हम कर्जा चुकाए और ना अपन धन उड़ाए दे, अब तुहार खर्चा हमरा से ना चली, समझ ल? बचवा बचवा हमार लाल बचवा
गौरैया अपने बच्चा के जन्म दे के 24 घंटा अगोरे लेना पेट भरे खातिर ओके घोसा से निकले के पड़ला। नवजात बच्चा का मुंह कोने मतारी के ना होला, लेकिन जाई ना तो का खाई और का खियाई। हमार लाल तू दूसरे का दुख दूर करा, लेकिन अपनी कमाई से बेटा, अपनी कमाई से हमार लाल। दादी हम का करें, हम तो भलाई करत रहनी ना, ओकर मेहरारू मर गए रहे अगर पैसा नहीं देती तो ओकरे कितना मारत रहसन तो कहली हम पैसा दे दे। बचवा तो हाथ करनी भगवान देखे तरह तो बहुत नेक काम करत हुआ बचवा बचवा। नहीं दादी अब हम पैसों कमाई, छेदी हमसे कहत रहे कि चलो बम्बई, लेकिन दोनों के मुंह में नहीं गए हम। हाँ बेटा, लेकिन हम बॉम्बे चाहे अब पैसा कमा के दिखाए, हम बॉम्बे चाहे। हाँ हम बॉम्बे जरूर जाए, लेकिन अब इस सुन जाए बेटा, हम बॉम्बे जरूर जाए दादी, कुछ कह के दिखाए। बाहरे मुंबई बाहरे मुंबई, जय हो मुंबा देवी मैया, तोहरे धरती के बार बार प्रणाम करतनी मैया, जय हो मैया मुंबा मैया जय हो। अभी तुझे पुलिस में देता हूँ। पुलिस माफ कर दे, हम जाए दिन सर। ना ना पुलिस के मत देवा, अब माफ कर दी कर, अब ऐसा गलती ना कर। अब भाग भाग रे। हाय पर्स, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? साहब हम बिहार से। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी वहीं का हूँ। अरे ठहरो ना भाई जी, ये तुम्हारा है नाम। अरे नहीं, अरे रख लो रख लो, ये तो इंसानियत के फर्ज बा, हम आपसे पैसा ले ले तो हमारा मुकरा मंत्र का रही है। नहीं एक मिनट ठहर तो जाओ, ठहर तो जाओ। अरे नहीं साहब कुछ नहीं चाहिए, कार्ड है मेरा, कार्ड। किसी भी बात की जरूरत हो तो कभी भी मेरे पास आ सकते हो लोग। अच्छा मैं पता भरा हूँ। हाँ मेरा पता है। थैंक यू सर, प्रणाम। और कैसन बनी जरूरत सब? चलिए का तमाशा मजर बन जा। अरे भैया हमारा फोटो का खींचे तनी, चलिए हटी हटी। जय समुंदर देवता गंगा मैया सेल बन, जय गंगा मैया, जय समुंदर बाबा। ये क्या बोला होती है? अरे दादी ये क्या होती है? अरे राम कहा कुछ ओफ ओफ राम राम, इनको लाज नहीं खिला रहते हैं कि? अरे राम सत्यानाश। चलो मगर ए भैया कहाँ जाना है? चार बंगला भरत नगर के बस कहाँ से मिली? वो उस बस स्टॉप से 203 नंबर की बस जाएगी। हाँ जाएगी। बहुत धन्यवाद। अरे हो रो 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 का भैलो, अरे चढ़े खातिर लाइन, अरे चढ़े खातिर कैसे लाइन भैया? भैया चला ओ गजबे बड़ा जा, चला जा लगा जा चढ़े खातिर लाइन। अरे अरे बढ़त रह जा तनी। हेलो, अरे हेलो बहन जी, तेरा संभल के खड़ा हुई ना। हेलो सॉरी व्हाट काय मत, तनी बड़ा सन मर दे, अब हम लाइन नहीं मानते हैं। हाँ चल चल पढ़ने चल जा, लाइन चल जा। अरे 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 पढ़ने चल जा। ये भैया हाँ तनी पता बता दे वो हैं क्या, कुछ गड़बड़ बा ना? बिल्कुल ठीक बा, यहाँ जाए का है। हाँ मालूम बा, एकर जानत हो? अरे हमार भाई है। अच्छा अच्छा बैठा।
जानता ना? अरे जानत है भैया, बैठा। ये भैया पक्का जानता ना? अरे भैया जानत है बैठा। बहुत बड़ा आदमी है। अरे बहुत बड़ा आदमी है बैठा। अच्छा, पतवा दे दो। अच्छा चल भाई, बड़ा छोट छोट गाली बना दिल बड़ा सेजिंग। अरे आगे नहीं जा का? चलो हो, चलो होने चलो। ये रहल छेदी। ई छेदी? अरे मंगरू यहाँ कैसे? बक हाँ अरे बाप रे, ए भाग ले छेदी। ए अरे ए भाई साहब, ए अरे मंगरू कैसन बाड़ा? अरे अंगार में करू। अरे तू मर्दे, तू कहत रहा कि हमार कंपनी बा, हम कंपनी के मालिक हैं, और हान बा तान बा ये सब। अरे ये ऑटो ही हमार कंपनी बा, एकर मालिक और नौकर दोनों हम ही बनी। तू क्या समझेला, बंबई में रहल का इतना आसान बा? अच्छा ये बतावा, आवे में कोनो तकलीफ तो ना भाई? तकलीफ घोर तकलीफ। अरे शास्त्र में लिखल बा कि आदमी के झूठ बोलना है पाप लागेला। आ तू लोग ऑटो चले जा कहवा जा कंपनी हमार बात की। अरे वो तो अच्छा भइल कि ई ई ई के हमें मदन मदन ई मिल गेला। नहीं तो हम ना, हम तो हर महल खोज के खोज के समुंदर में गिर जाती। तो पैसा भइल भैया? अरे जायदा ई तो मदन अपने साथ ही रहला। अच्छा धन्यवाद। ए छेदी केहरा अपन मुल्क से आइल बा का? अरे छेदी के भाई आइल बड़न काका मंगरू। प्रणाम प्रणाम। जिया तरह है, जिया तरह खुश रहा। कौन काम धाम हो तो हमके बता दे। हाँ बता दे। चला महल भी दिखा दे। अपन मुल्क से आइल बा लड़का हा। ए छेदी, अरे तो महीना कहीं नहीं देत बड़ा हो? नहीं के देवे के हाँ तो हमार घर खाली करता। अरे चाची तोहर महीना कल दे दे। ये तोहर संगतिया हवन का? ना चाची, ये हमार मौसी का लड़का है मंगरू। अभी आपते बारे सीधे गांव से काम धाम करी है कि बैठ के खाए आइल बारे? हाँ मंगरू के आपते काम मिल गए चाची। ए मंगरू, ये हमनी के चाची है पान वाली और चाचा। हाँ नमस्ते। पहला खुश रहा। चला कैसा जगह है? दो चाय भेज दा। दो चाय ऊपर? अरे दो नहीं तीन। तू तो यहाँ का करे था? जाके घर में काम संभारा। काम? अरे जान अब वही रह दे। अरे जान अब आवा। ये है हमार ताज महल। और ये है हमार मुमताज। ऐसे का देखत बड़ा? एकरे भाड़ा 2000 लागेला। 2000 कजना रहेला जा? तीन आदमी, अब तोहरा के ले ले चार। अच्छा सुना, ऐसा दिन में एक बार पानी आवेला है ले? सवेरे ही नहा लिया। ये मर्द यहाँ चापा कल नहीं खे? ना आई नारा? ना अरे ई बम्बई है, बम्बई समुंदर में पानी भरल बा लेकिन आधा शहर प्यासले रहत बा। है देखा किचन। अच्छा सुना, तोरा गाना गावे के पड़ी। गाना? हाँ काहे? आहिजा पखाना में दरवाजा नहीं खे। चला और इधर देखा आपन की बस्ती चक्कास। अरे यह तीसरा आदमी, ए गोविंद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का होत बा? नहाए रहे भैया। यह हमार भाई गांव से आयल बाड़े। नहाला नहाला नहाला। एक नाम है मंगरू। मंगरू भैया प्रणाम प्रणाम। और वो है लाली का घर। आजा बम्बई है। अरे ओहर का देखत बाड़ा? कल चलल जाए बम्बई घूमे। अरे अरे संभल के, ये समुंदर है पोखर ना? अरे समुंदर देख ले बानी, गांव में कितना पोखरा पोखरी में छटक के लप से कूद गई। अच्छा? जा तैर के ऊपर आगे। अच्छा? नहीं जा बड़ा आदमी पता नहीं क्या बतियो का।
चली भाई ये तो हाजीपुर बड़ शहर बहु एक दिन में घूम सके ना बम्बई तो बहुत बड़ा शहर है बड़ी बड़ी बिल्डिंग अरे हो तो कहे तो ना बहुत बिल्डिंग वो का अरे वो तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बा तो गिने का गिने का तो चला 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 भाई साहब जी ये क्या कर रहे हैं आप वो देखे तो नहीं कै माला बाटे बिल्डिंग गिन रहे बिल्डिंग के माले गिनने का पैसा लगता है मालूम है बिल्डिंग गिनने के पैसा कितने माले गिने आप पांच माला 50 रुपए निकालो एक माले का 10 रुपया तो चल भाई ले लो कोनो बात नहीं अरे कहाँ चल गए मंगरू हैं हाँ चलिए भाई चलो चलेगा अरे कहाँ वो आदमी के रहे अरे बुरबक बना दे नहीं और बिल्डिंग में गिनो तो नहीं हाँ? एक माला के लागे ला 10 रुपया हाँ? गिननी है 25-26 माला अब बतौनी 5 माला 50 रुपये में काम हो गया चलो बना देनी चलो अरे देहाती ये देखा समुंदर और ये देख बड़ा बिल्डिंग बुझल का अरे का हम बताएं भैया ये मुर्गी को चल 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 अरे चला अरे ये बम्बई का फैशन है नहीं छेदी कुछ करे के पड़ी आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम जैसे कि हम तो बॉम्बे पहुंच गए लेकिन बाबूजी यहाँ तो बड़ी आफत बाटे यहाँ तो हम देखत नहीं कि लड़के कुल घारे निघारे घूमत अड़ी सन आ कोई ध्यान नहीं के देत हमरा तो बड़ा चिंता बा बाबूजी कुछ न कुछ एकर उपाय करे के पड़ी तनि से लेटर हमारे तीन ध्यान से पढ़ तनि के दे दो भैया अतर आधा किलो बैगन दे दो तू हफ्ता नहीं देगा बाबू भाई से पंगा लेगा तू माफ कर दो माफ कर दे अब बाबू भाई माफ कर माफ कर मेरे को कितनी बार समझाया बाबू भाई का हफ्ता टाइम पे दे क्या होता है कुछ लफड़ा बा का फेल गोविंद बड़ा हड़बड़ाई वाला अरे चाची बहरिया बहुत बड़ा हंगामा हो गया हा? बाबू भाई के आदमी राम मोहन के उठा ले गए सन आ सब्जियो नहीं मिलल कुल ठेलवा वाला भाग गेल सन ई बाबू भाई केहो के चैन से न रहे दी एकर गुंडागर्दी से तो सब परेशान बा हां सब परेशान है हां ई बाबू भाई के हो बा बा एक गुंडा छोड़ा ही सब तब तो लगा था कि खनो नहीं मिल पाई ना तू काहे की चिंता करत हवा बचवा हम है ना हमरे घरे खाली है हां हमरे यहां खाली है ना चाची रह दे आज हम मंगरू के बाहर खिलाए रेस्टोरेंट में खाना रेस्टोरेंट में पेट खराब हो जाला अरे नहीं चला चल गोविंद हाँ, चला, चला, चला। दिखा था मंगरू को मुंबई के मजा हेलो बाबू भाई बोल रहा हूँ जो रे बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या तेरे को करीम नगर का हफ्ता अभी तक नहीं आया अगर कल सवेरे तक हफ्ता नहीं पहुँचा तो समझ ले तेरी जिंदगी खलास कल के बाद मोबाइल से नहीं तेरे मुंह में घोड़ा डालकर बात करूंगा भाई राम मोहन यही वो बिल्डर जिसने हफ्ता नहीं दिया भाई भाई मुझे माफ कर दो माफी
कैसे ना आवाज है? ए हाँ उठ रहे? हाँ कैसे ना आवाज है? हाँ मंगरू कहाँ बड़ा? उठ रहे? हाँ ना कहाँ है? देखता कौन है? कहाँ लाउडस्पीकर चालू कर दिया है? चलो पता नहीं केवा हो भूमि गिराता लटपटाया तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखार बिंद। अरे आप लोग बैठ के सुनी जा, बड़ा सवेरे सवेरे जाग गेली जा। अरे रुकर करू का 10 रुपया ले काटा भैया, पुर्जे से काटा 22-23। चला चला आगे बढ़ो भैया। अरे काका ठीक से लिखल करा पुर्जा हर कोर। अरे मंगरू भैया गांव से तोहर कुछ सामान आयल बा। सामान कैसे? हाँ बड़ा सा मोटरी बा। ओ काका तनी माओ तनी। अच्छा हाँ जा जल्दी आइए। इतना बड़ शहर कपड़े नहीं खियो। हे मैया कहाँ ले शुरू करी? चला जूह चौपाटी मंगरू, अब बुझा जाए गांव का होला देखा जा। चला कुल अच्छे भेज ले बड़ा सा साड़ी 1, 2, 3, 4, 5 चला काफी बा। चला भगवान इज्जत तो बच्चे कैसे हूँ। अच्छा आ गई सर। अरे बाप ले 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 हाई पहन ली जा। अरे आप लोग खातिर बात इनके साड़ी चाहत लो का? अरे बाप ये तो और ही गरीब भी है बाप। चला इनके साड़ी देवे के परी ना हो। चला 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 जी 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 बहन जी है ले ली पहन ली पहन ली। व्हाट इसका क्या मतलब है? अरे मतलब कि अब हम कहा बताएं ये सब राहत में बाटी आपातकालीन व्यवस्था हम जानते नहीं कि सब गड़बड़ हो गई बाटी। आर यू फूल? अरे सरकार हम फूलपति कुछ जा देखिर वाला जाई मत। हम जानते नहीं कपड़ा के बहुत कमी बा एकरा के ले ली एकरा में कोनो पैसा नहीं खेला गया वाला। यू डैम फूल काहे मार दे हमरा की? मजाक उड़ा रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे मजाक ए क्या रे लड़की छेड़ रहा है? अरे महाराज हम आपके लड़की छेड़ लगा था नहीं और क्या कर रहा था? अरे हम तो कपड़ा बांट नहीं उघारे निघारे घूमता आ गया कपड़ा बांट रहा था और भाई लड़की चल रहा कपड़ा बांट हां साले अरे ये मारपीट कैसे? अरे मंगरू मुंबई में आके ये सब कर। रुक 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 अरे क्या है? ये हमारा भाई गांव से आया। अरे भाई हमारा गांव से छोड़ दे। कौन है तू? कौन है मंगरू? ये कौन है यार? चल रहा है चल जाने छोड़ यार। डॉक्टर साहब अब कैसे हालत बा? अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गनीमत है कि अंदरूनी चोटें कुछ नहीं आई हैं, बाहरी चोटें हैं, ठीक होने में 3-4 दिन लग जाएंगे। ये दवाइयां आप ले लीजिए ठीक है। छह दिन तक दादी के फोन लगाओ हो। चिंता मत करो दादी के फोन लगाओ बता नहीं। अरे जल्दी लगाओ लाओ भाई चाय पिला दो। का छेदी भैया बहुत परेशान नजर आता हुआ। अरे का बताएं का भइल ओकरा के लगता कि मुंबई में हाँ। कपड़ा की कमी बा कपड़ा के हाँ हाँ। और गांव से कपड़ा मंगा लिया हाँ। और बस मार खाएगी। इंटरेस्टिंग। अरे धर्मेंद्र पांडे जी कैसे हो? क्या खबर है? किस बारे में बात कर रहे हैं? का बताएं हमारे एक भाई है ना जो गांव से आ रहा मंगरू वो लड़की के कपड़े बांटा तो लगला उनमें से एक लड़की नाराज हो गई टेम मारा उनका। फिर का अब अस्पताल में पड़ल बांटे। इतनी बढ़िया न्यूज इतनी धमाकेदार न्यूज मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? पेपर में छपेगी तो मजा आ जाएगा। चलो चला चलो भैया चलो गाड़ी में बैठे आई 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 कैसन बाड़ा मंगरू
अब कैसे तबियत बा? अब बातचीत कर सकेला ना? इनसे मिला हमारे दोस्त धर्मेंद्र पांडे। नमस्कार। ये पत्रकार बाड़ा, इनका पता लागल तो साथ ही आ गेल न्यूज के चक्कर में। न्यूज? मिस्टर मंगरू, क्या आपने वाकई लड़की को छेड़ा था? आपके लागत था कि हम लड़की के छेड़ सकेला? अरे हम काहे के छेड़े जाए सरकार, हम लोग गांव के आदमी हैं, लंगोट के दम पक्का। तो फिर पब्लिक ने आपको क्यों मारा? पागल भी है पब्लिक। अरे भाई, हम तो समाज सेवा की भावना से गली न हो, देखने के लड़की कुल कपड़ा कम पहनता है, सुनता हमरा लागल कि यहाँ कपड़ा के कमी बा। अब का बताए, ये तो यहाँ का फैशन है। हमरा का मालूम कि लोग कपड़ा खूटी पर टांगे खातिर किन ले बा, घर में भर ले बा और घरे निगारे घूमता है। आ फिर मान ली हमसे गलती हो गई तो कह देवे के चाहे कि भाई तू ठीक नहीं का सोचो, ऐसे मारल जाला आदमी की। तो क्या आपका मतलब है कि यहाँ की लड़कियों के पास कपड़े नहीं है? ए भैया, हम बुर्बक नहीं है, अब हमको समझ में सब आ गया है, समझ ली ना। हम दिखाए भी शहर में कि अगर हम अपने धर्म के बात करता नहीं, अपने संस्कृति के बात करता नहीं, तो हम बकलोल नहीं खी। हाँ, मैं शहरिया में रह के सबके दिखा दे कि देहाती आदमी का का कर सकेला। सर, क्या मैं आपका फोटो ले सकता हूँ? जौन करी फोटो ले ली, छाप दी, लेकिन वो लड़की जौन भी कैलस ना, हमारा बहुत ज्ञान मिल गिल बा, ज्ञान प्राप्त हो गिल बा हमारा से। ए जी, आज से गोरेगांव साइट के काम शुरू होता का? अरे गोरेगांव के पूरा साइट कहां हमरा मिलल बा, एगो बिल्डिंग बनावे के बा, चारे महीने के काम बा। अच्छा, तो अभी सीधे ऑफिस जाएब की साइट पर जाएब? पहले ऑफिस जाएब फिर साइट पे। अच्छा। ली तनी चाय बिस्किट ली। हाँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कहाँ भाई, कहाँ है हुसैनी जी? मुंबई की लड़कियों को कपड़ा पहनाना महंगा पड़ा। हाँ? लड़कियों को तो कपड़ा नहीं पहना पाया, लेकिन खुद इतनी पिटाई हुई कि अस्पताल पहुंचकर पट्टियां पहननी पड़ी। वेरी फनी, वेरी फनी। देख, अरे ये तो वही लड़का है। रोवा घाव कैसे लागल? हम एगो लड़की के छेड़त रहली। अरे मत छेड़ा। एक्सक्यूज मी मंगरू जी, मंगरू जी। अरे रा, I'm Urvashi, I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको ये तकलीफ हुई। यकीन मानिए, मैंने आपको गलती से कुछ और समझ लिया था, मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में इतने अच्छे भाव हैं। भाव? अरे भाव छोड़ी, सब भाव बह गए। हम तो खाली इतना जानते रहनी कि औरत के लाज बचावल आदमी के जिम्मेदारी होला, सब गड़बड़ा गया। मैं आपकी सोच की इज्जत करती हूँ, लेकिन अब जमाना बदल चुका है और ये आजकल का फैशन है। देखी, क्या नाम तो नहीं आपने? उर्वशी। उर्वशी जी, जमाना बदलला से माई के, बहिन के, भौजाई के, माने औरत के रूप बदल जाये का? अगर औरत पर्दा में नहीं रिया, अब आपके हम का बताएं? लेकिन हमार आजी कहे ले कि औरत देवी के रूप होली सर। अब रवि बताएं कि देवी लोग पूरा भरल पूरा साड़ी में रहेला कि नहीं?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो मैं समझू कि आपने मुझे माफ कर दिया। जब भगवान जी रोज सबके माफ कर रहल बाड़े तो हम के बानी माफ करे वाला। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त भइल रहे बोध गया में, लेकिन हमरा के बम्बई में ज्ञान प्राप्त हो गेल बा। दोष तो मेरा ही है, आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अच्छा चलत आनी। चलत आनी भोजपुरी। ये भोजपुरी जानती है? अरे का बात बा, का बात रहला? कुछ नहीं कुछ नहीं, भोजपुरी जनतिया। डॉक्टर साहब कहला है दो दिन में छुट्टी मिल जाए। जल्दी ले चला हमरा के मरती। ले चलब। अरे सवारी तो बहुत ढोली, लेकिन हाथी पहली बार ढोत रही। का कहला? का कहलक का? का भइल? का भइल? हमार ऑटोवा खराब करके रख देना। नीचे उतरा? ना उतरब। अरे नीचे उतरा? कहला उतरी बीच में, पहले तो 50 रुपया। कैसन 50 रुपया? बीच में उतरे के नीचे उतर के 50 रुपया? हाँ तब कैसे थी उतर जाई। अरे तू नीचे उतरा। अरे छोड़ा हो, तारा जैसा आदमी से हम उतरा तो नहीं। लगा ला हाथ गोड़ पुल, पूछो ना हुई। अरे ये पुल माल खाई, हम माल खाई। नीचे उतरा ना? उतर कहे ना उतर बा? पहले तो 50 रुपया। 50 रुपया खाए के? 50 रुपया भाई बीच में उतरे के? इला इला 50 रुपया उतरा। जियत रहा ए बच्चा, जियत रहा। तारा जैसन दू चार गो गहकी रोज भेटा जास ना तो हमार काम में हो जाए। रुक जा भाई देखो। चलो खुश रह, सिंगाड़ा खाए के जोगाड़ हो गई। जियत रहा, खूब घी पियत रह। 20 रुपए भाड़ा, पैसेंजर इतना जाड़ा। जिमी तुम्हें उस लड़के से मिलना चाहिए था। सुन रहे हो? What? मंगरू से तुम्हें मिलना चाहिए, उसके जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। ओ, मुंबई में एक से एक जोकर इकट्ठे हो रहे हैं। मगर वो ओ कम ऑन उर्वशी, आई डोंट लाइक क्राउड। चलो आगे चलते हैं। सही है बॉस। चलो देख ला मंगरू भैया, ये है हमार दुकान। बहुत बढ़िया जगह पर बाटे। बढ़िया तो बा, धंधा के साथ समुद्रो देखी ला। साथ साथ समुद्र के मछरियो ही। मछरी? मछरी किसन हो? हाँ बम्बैया मछरी, गोर गोर, तू देखवा। बम्बैया मछली लोगन के हम का देखब, जान गए नहीं हम बम्बैया मछली लोगन की। अब देखब नहीं हो गोविंद, दिखाई देब दे रे। अरे रुका मर्दे, थामा इतना गले से काम होला। बम्बई बड़ा सिखौला समरा की हो। हैला है हैला, तू नारियल पिया। अच्छा लग रहा है ना? क्या हुआ, मोचा गई क्या? शायद। भाई देखा ढगरल जत टे, आओ तनी घूम के। जल्दी आ जाइए। हां तुम बैठो मैं देखता हूं। ओहो हो, वो चुप गया, हम निकाल दें। अरे अरे छोड़िए उसको, आ जा आ जा, छोड़िए उसको। क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूं छोड़िए उसको। अरे हट। अरे आ जा, रुको रुको, मैं अभी पुलिस को बुला के लाता हूं। मैं अभी आ रहा हूं यार। अरे अरे पगड़ेला सर, छोड़ो मुझे। पहलवान बन चलो। अरे पटक दे सर, ठंडा हो जी। Oh!
लड़की के छेड़ल गलत बात होना है। खून निकाल दे ना, खून निकाल दे ना, साला बतावा तनी खून की मत। साला घिसना घिसना के मुआ दे आ तो समुद्र में डुबा दे तो फिर कोई है बोल छोड़ो भैया कहाँ बट मेरे अच्छा जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ गलती कैला बड़ी मंगरू समुंदर किनारे बैठ रहुआ बानी मंगरू जी अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता कुछ नहीं हुई कुछ नहीं हुई एकरा में रौरो दोष कम नहीं थे मेरा दोष क्या है यही सब लोग तो मुझे छेड़ रहे थे तंग कर रहे थे चीटी बजा रहे थे जवन ड्रेस पहनले बानी ना एकरा में देख के लोग सिटी में जगह मंदिर के घंटी बजाई है हैं अरे कुछ सोचे समझे के चाहिए आदमी के शहर में रहला के मतलब ही थोड़ी हो गई बाकी जय घरे थैंक यू वेरी मच हैं धन्यवाद हाँ नमस्कार जय घरे उर्वशी मैंने टेलीफोन बूथ से पुलिस को फोन कर दिया पुलिस आती होगी सब चले गए चलो चलते हैं इडियट अब मैंने क्या किया इतना बड़ा गाड़ी बस्ती में ए गोविंद इके हा पटाका इके हा मंगरू जी इधर ही रहते हैं क्या जी जी मंगरू जी कहाँ बाड़न मंगरू मंगरू ए मंगरू फट से चिल्लाता पोजीशन ही डाउन कर दे रहे आप बैठिए मंगरू आवत है चाय पियेंगे आप ना ना ठीक बा भैया आ गए ला भैया ये देखिए क्या हिल बा चंदन हाँ आप यहाँ हम आपका जैकेट देने के लिए आए थे ओ खाली जैकेट देखते नहीं आ गई हैं ना तुम्हारा घर भी देखे के रहे और दिखावे के भी रहे अच्छा नहीं नहीं कैसन भीड़ कैसन चलो यहाँ से जब भीड़ लगा तो काम बंद करें समस्या लगा यहाँ चलो बाहर चलो एक काम चल बहुत बहुत धन्यवाद दुरुस्ती जी तो हम चलें जी तो हम जाएं हाँ चलिए ना हम गाड़ी तक छोड़ देते हैं बहुत सुंदर बिया हो ये आपकी जैकेट जी धन्यवाद अरे अरे पीछे डा क्या करा बड़े सुबोध बाबू गोरेगांव का पूरा साइड हमनी के कंपनी के मिल सकेला लेकिन लेकिन नायक बाबू ये लेकिन क्या होता है अरे ससुर बहुत पैसा मांगत बा कितना सुबोध बाबू बड़ा झगड़ा के जमीन बा हम तो करा से आधा तीहा में खरीदे चाहता नहीं लेकिन सरवा पूरा पैसा मांगा सोचने की कोई जरूरत नहीं है सौदा आज ही कर लीजिए अभी तो ठीक बा समझी हो गई ए मंगरू ठीक काल चाची के घर पे डेरा जमाए के बा कहे कहा काल अरे काल छठ है बबुआ प्रसादी लेवे सब आ जाई हा हम चलता ओ ए मंगरू चावल और चीनी अभी ना ले ले का आ गड़बड़ा गई ली अभी ले क्या होता नहीं अरे एक मिनट ये छेदी भाई हाँ कुछ पैसा तनी गांव में भेजवावे के बाद पगार मिल गई का ये 2000 रुपया बाटी हाँ तनी सहेज के भेजवा दी हाँ भिजवा दे भिजवा दे अरे बचवा
ये मंगरू के मेहनत के कमाई है। राम लखन सीता सहित हृदय बस हो सुभू। अरे चल जा, चाची बेहोश हो गेल बाड़ी। का गेलो का? का कैसे? अरे कैसे का, अरे दू दिन से बरत के ले रहे, आज चक्कर आ गेल, गिर गेल। चल चलो 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 आगे जाम बा, जाम लागल बा। का गेल जा, जाके देखे के पड़ी। ए हटो जा चाचा, ए हटो। अरे वदी झगड़ा करता सर कदा बेटा, तो हम देख रहे, तू चाची ख्याल रख ठीक है। ए हटा रास्ता साफ कर। अरे ये का, ए खाली चल लोग मार दे, चला हटा रास्ता साफ कर। ठीक बड़ी ना, अरे हम क्या क्या ठीक है। अरे बेटा आवा बचावा, चाचा के मारता हो सुन नहीं। अरे चाचा के मारता हो सुन। अरे अरे कौन है तू? हीरो बन जा क्या? काला कहीं का? पकड़ इसको, मुआते तो के जमता। और छोड़ छोड़ मेरे, ए भाई लत मने रे, काई मने रे, महंगा गिरेगा तेरे को, काई मने रे, लत मने काहे लत मने रे। देख देख, तो अपन को भाई जानता नहीं है, काई मरने, अपन भाव भाई का आदमी है। अरे हाथ छोड़ रे, अरे चाचा भाग रे, अबे भाग बे, ए चल निकल। अरे ना तेरा कर दे दो, तेरा समझे जाओ ना चाचा। ए आ ले आ ले, अच्छा ले जूस पी ले, पी ले। अरे पिए थोड़ा। हाँ। और पिए नहीं। हाँ। अपना पिए बबुआ। अच्छा चलो चाचा रख दा। हाँ। आराम से आराम से। ठीक बाड़ू ना? हाँ सब ठीक। और कोनो तरह की चिंता मत करा, तू अपन ख्याल रखिया बबुआ। चिंता नहीं, आराम करे तू, इनके रहे दी अब एक दो दिन रुआ दुकान चलाई। ठीक बा, हमनी के ध्यान दिया जिनकर। ठीक आओ तीन दिन भरे से। हाँ। छेदी देखिए अब कैसन तबीयत बा। हाँ। भाई जब पूरे शहर का पावर फेर हो जाला तो हर एक बिल्डर के एक ही पावर लोकेला, और वो है बाबू भाई का पावर। अबे तू चाहता क्या है ये बता। भाई मीरा रोड के पूरा कंस्ट्रक्शन, और मुझे क्या मिलेगा? अब हम क्या बोले भाई, जितना करोड़ रावर बनता। नो मनी, पूरे कंस्ट्रक्शन में आधा हिस्सा लूंगा। लेकिन भाई जी। अबे लेकिन वेकिन क्या, बाबू भाई को टक्कर देने वाला इस शहर में पैदा नहीं हुआ है, और जो मैं चाहूंगा वही होगा। भाई क्या हुआ रे, पुलिस? भाई एक देहाती था, बहुत मार मारा हम लोगों को। कौन देहाती? भाई वो भरत नगर के पान वाले चाचा के साथ था। भारत नगर, कौन है रे मंगरू? उस देहाती की इतनी मचाल कि उसने बाबू भाई के आदमियों पर हाथ उठाया, उसे अब कोई नहीं बचा सकता, अब तो उसकी लाश ही उठेगी। सरदार ओकरा से गलती हो गई, ओकरा के बाप पता कहाँ है वो? हाँ यही है, बाहर इसको। तब तो ये सब कुछ जानता है, बता मारो साले को जब तक ये बता रहा दे। बाबू भाई छोड़ दे। अरे 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 कहीं मार दो भाई। अरे हट, ऐसे मारा जरा आदमी के। अरे बाप रे भाई, यही है वो मंगरू जिसने हम सबको मारा था। क्या कह रहा
तो तू है मंगरू जिसने बाबू भाई के आदमी पर हाथ उठाया, आज तेरी लाश यहीं गिराऊंगा। अच्छा वो लोग अपने चाचा के मारने का मुंह देखते हैं? तूने बाबू भाई का हाथ पकड़ा, बहुत ताकत है तुझमें, आज देखता हूं तेरी ताकत। आजा। हे सुना मार, हमारा पे हाथ छोटे बता, हमारा हाथ उसे जो तहा पे मार मार मार। देख हम झगड़ा नहीं कर सकता तुम्हारा से, हैं? मारेगा? हैं? पहले ही बतावा, ऐसे मारा जला आदमी के? मारेगा? बाबू भाई पे हाथ उठाएगा? हैं? तू हाथ उठा सकेला? देख हम बताया था ना कि ठीक नहीं पड़ी, हम तो आए थे कि गुस्सा मत दिखा। पता होता है जो गुंडा गुंडी लोग कोशिश कर हमारा बस्ती में घुसने के, तुम बाहर के जान ले ले। बाबू भाई तो गए 2 साल खातिर अंदर। अरे भाई उस बाबू भाई से हमारा क्या मतलब है? मतलब बात सुबोध जी, बिना बाबू भाई के मदद के हमने के गोरे गांव वाला साइड पे काम ना शुरू कर सकीला। अरे भाई वो हमारी जमीन है, हम जब चाहे उस पर काम शुरू कर सकते हैं। हम रघुआ से ना कहले रही कुछ झगड़ालू जमीन है, यही खाते तू बेचले से। अब अगर बाबू भाई होते तो हमने कोनो फिक्र ना रहत। अब इसका उपाय क्या है भाई ये बताओ। जे बाबू भाई के पटकनी दिले बा वही शहर में बा, अगर वो मिल जाए तो हमने के काम बन जाए। क्या नाम है उसका? मंगरू। मंगरू? नहीं नहीं सब बात ठीक नहीं। मंगरू भैया स्पेशल चाय तुहरे खातिर बनवले है। अरे ई हमका दे दे बाबा। ए छेदी भैया कहा ना मंगरू भैया से कौन हमारा पैसा लेके बा ना? फिर तो ऐसा कर जितना चाय का बगाना सब काट दे अपने भाई से। ओह उतम ओहे दिन काट देनी जे दिन मंगरू भैया बाबू भाई के कुटले रहना। मंगरू भैया अरे क्या हो गया? प्रणाम। अपन बैठो। ठीक बा, क्या बात मंगरू भैया? हमरा की बताई किरवा के कितना चावल और गेहूं और चाहिए, तुरंत भिजवा देता नहीं हम। मदन से जाके पूछ ल कितना पैसा बा, कितना चावल दाल आई, का ओकर बजट बा, का हो समझ ल। हां राम 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 राम। हम तोरा से पैसा मांगब तो जुबान न कट जाई हमार। हे छठी माई हमरा के उठा ल। सुना हम तोरा खातिर 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, 5 किलो चीनी, 2 किलो दाल, घी, डालडा सब कुछ सतुआ भी भिजवा देता नहीं। ठीक न बा? इतना पैसा नहीं खे, जितना पैसा बा उतने न आई। लबर लबर के का भैया का बात कहता नहीं, हम रउआ से पैसा मांगब। ना ना अच्छा ना, अभी तू जा, जाके सामान भिजवा दे जा। ठीक बा, जाता नहीं। ए मंगरू भैया, ए मंगरू भैया, हो देखा ताजा ताजा सब्जी ले आयल बानी, भिंडी टमाटर बैंगन एक एक किलो भिजवा देता नहीं। ए मर्दी का हो गेल बटे जवन आवत अड़सन, 4 किलो भिजवाए तनी, 8 किलो भिजवाए तनी, फोकट के माने कुछ खास कोनो प्रॉब्लम में का तू लोग के? बाबू भाई के पहले हमन के हफ्ता देवे के पड़त रहल और सामान सब अलग से, ई सब तो हम कुछ नहीं देत हई। दिमाग खराब है तू लोग के? हैं सनकर बासन हम बाबू भाई रे। हम मंगरू ही मंगरू, अपना मेहनत से दुबेर कमाई के सुबह शाम खाए के बाटे, आराम के नहीं के खाए के। तुमने के सब बुड़बक मार, सीधे भाई के पास पहुंच जाला। अरे देवे के बा तो ई हाथ में दे। पता नहीं का हो गया बहनों की, जब देखा फ्री में खाएगा। उर्वशी ये कौन है? हाय मैं आप ही के पास आवत रहली। का है? का बात बात? एक बहुत जरूरी काम है, बैठो ना बैठो ना। अरे तू ऐसे आवल जाला ऐसन, अबर दुबर आदमी के तो हार्ट अटैक हो जरूर गाड़ी से व्यवस्था है। चला सवार के सवार। ए महाराज ई ढाप पियार खातिर बोलो लो हमरा के।
कुछ परेशान लगता है? अरे का बताई, वो जब से बाबू भैया के पटक के मार देनी चाह रहे ना, तब से जिया बटे। फ्री में खाना, फ्री में राशन, फ्री में सब्जी। अरे हम लोग फ्री में अब मेहनत वाला आदमी ही जा, मेहनत करके खा ली जा, फ्री में कहीं खाई जी भाई। ओ लोग डरे लगला तो से, अब हमरा भी डरे के पड़ी। रउआ का बात करत तनी उर्वशी जी? पहले जी कहल बंद कर, सिर्फ उर्वशी। अच्छा जी उर्वशी। फिर जी? अरे यार हम नाम के आगे जी न लगाई तो हमरा लगेला कि नाम उघरे निघरे बाटे। अच्छा छोड़ा, ये बतावा इतना अर्जेंसी में कहे बोलोलो जिंगा? अच्छा तू हमरा की कभी कुछ दे ला नहीं? बोला बोला का चाहिए? कभी प्यार से एक फूली दे देता? अभी कहा? अभी ले आता नहीं। ए माली, ए माली। थैंक यू। ई हो थैंक यू। हाय हो यो ना, हाउ स्वीट। थैंक यू। बस खुश। कहाँ चल गए लुआ धत? अरे खिसिया गेल का हो? काकी बोले सेठ का खाइबा, बनारसी की मखैया? ना ना हम पान ना खाइला। एहे जा केहू मंगरू भाई बाड़े? बाड़े? अरे वो तो हमार लइका हो। हमरा के मिला दे, बड़ा जरूरी काम बा। ए छेदी सेठ आइल बारन, मंगरू से मिले। आओ मंगरू से मिले के बा। हाँ का काम बा? काम ही है कि हम तैयार बने उतना देवे के। मंगरू मंगरू अपन छोटा भाई है। हाँ पहले थोड़ा नखरा करी लेकिन हम पटा ले। कहाँ बने? पहले कुछ एडवांस हो जाए तो। हाँ 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 चली 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 चली। का हो छेदी भाई? भैया केहू मिले के आइल बा जी? सेवा बताई सरकार? पूरे शहर में आपके नाम का डंगा बजहल बा। अबला वो बाबू भाई तो एक नंबर का कमीना आदमी रहल, कोकरा से तो पिंड छुटल। जय राम जी की। जय राम जी की। ला हमरे लायक का काम बाटे ई बताई। जाए एक साइड के पूरा जगह खाली करावे के बा, वहां करीम काना के कब्जा बा। आप गलत जगह पे आ गेल बानी, एक काम खातिर आपके पुलिस में जाए के चाही। ये बात कानून के कान लागे नहीं के देवे के, अपने में ही सौदा करे के बा। देखा हम बहुत सीधा आदमी हैं, रोज काम करीला, मजूरी करीला और सांझ के खाईला। 10 लाख देवे के तैयार बानी? 10 लाख कम बा। अरे 10 लाख होके चाहे 10 करोड़ होके, ये खरीदी हम रखे हैं। हम जाता नहीं स्टैंड में, आ कह दा कैसे आदमी नाम करें जी भैया। अब का हुई भाई? हमार काम रहे मिलाई के, हम तो अपन काम कर दे रहे। अरे आओ था ए जी, नायक साहब आजकल ऑफिस में नहीं खावत का? रोज आवेला। अरे तो पूछी ना विशाल लंदन से कब आओ तरन, एक बरछिया तो कर दहल जाओ। बरछिया मतलब? बरछिया के मतलब सगाई, बिया के पहले बरछिया करे के पड़ेला। लेकिन मम्मी अभी अभी ना तो कब कोनो दूसरा मन होए का बिया के, ओकरा आते ही तार सगाई कर दहल जाई। मुझे शादी नहीं करनी। अरे बेटवा सुन, तोरा का जरूरत रहे अब ही ब्याह के चर्चा करे के? अबली ब्याह ना होए का, जिंदगी भर कुंवारे रहियो। अरे देखते रहो कुछ बोलबू। हमरा के उ दिन हमेशा याद आवेला जब तोहरा से पहली बार मुलाकात भइल रहे। और हमरा के पिटवाई ले रहलू। धत मंगरू तू बहुत क्यूट हवा, तू हमार रहे के ढंग सोचे के ढंग सब बदल देला। क्यूट माने का होला? क्यूट माने अच्छा,
प्यारा। ओ पिए ना। बड़ा खट्टा बड़ी कौन बोलेला ससुरा। क्या आज मैं उसकी खबर लेता हूं, उसे आने तो दो, उसका घर से निकलना ही बंद कर देता। सुबोध बाबू, उर्वशी राउर बेटी जरूर बा, लेकिन हमार होके वाला पतोह भी तो बा, अब ऐसे कहू खिसियाल जाला। लेकिन अपने स्टैंडर्ड का भी तो ख्याल रखना चाहिए। उस दो कौड़ी के अनपढ़ गंवार मवाली के साथ घूमने का मतलब क्या है? सुबोध बाबू एक बात जान ली, उर्वशी बिटिया के हाथे में पारस पत्थर लाग गए बा, जहाँ छुआई सोना पैदा हुई। मैं समझा नहीं। जॉन मंगरू बाना ओकरा से मिले खातिर शहर के बहुत बड़ा बड़ा बिल्डर और राजनेता जालन, लेकिन क्यों हाथ नहीं खेवत। लेकिन लागत बा कि अब हमनी के गोरे गांव के साइड के साथ साथ इस शहर में और कई नए साइड खुल गई हैं। वो कैसे? अरे उर्वशी बिटिया चाहे तो काम हो कैसे, मतलब समझ ली। ठीक कहते हो नायक बाबू, नदी को भी समंदर में मिलने से पहले हाँ। कई गढ़ों और नालों से गुजरना पड़ता है। चलो गोरेगांव की साइड दिखाते हैं। जी तो हम का करें, पर हमार चारों टैक्सी रउआ चलवा तो सकेली, ओकरा हमरा भेरी कागज बा। जहिया से टैक्सी खरीद ली, हमार चारों टैक्सी बाबू भाई के कब्जा में रहल, हमार पूरा पैसा डूब गई। अब तो रउआ के सहारा बा, बात मान जाई। अच्छा ठीक बा, हम तोहार टैक्सी चलवा दे, तोहार शेयर भी तोके मिल जाए। मांगरे भैया, तुम्हारी गरीब पे बहुत बड़ा उपकार हुई। जा भैया, भेजवा दी हूँ भैया। ए बचवा, दो साल से हमार किराएदार कैले बा, मकान छे कैले बा। अच्छा जरा खाली करा दिया, तू कह दे बा तो खाली कर दे तू। अब ला तू लोग हमरा के का समझा तारो जा। कह देना बिटवा। अरे काहे मकान छे कैले बा, हम कह दे तो काहे खाली कर दी। हमके विश्वास बा। अच्छा तू एक बारी बोल के तो देखा। चला उहे पहला वाला मकान हमार है, उहे पे कब्जा कैले बा। आवाज दो इस्माइल। ए इस्माइल कह रहा बढ़िया कह का हो भैया? इस्माइल रारू ना हो? हमारे नाम। अरे तई बेचारी काकी के घरवा का है कब्जा के ले बनी, ओके खाली कर दी। बेचारी मेरा रोजा तकलीफ होता ना। कल का है, आज आज खाली कर दे, आज खाली कर दे। हाँ हाँ कह ताकि खाली कर दे, चिंता मत कर। ओके कहले रही ना अजय दा, कह ताकि खाली कर दे। ठीक ना, गरम कहो तारू हो जाए। भगवान तोहरा के बनाए रखे। अरे ठीक है प्रणाम। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ई राशन वाला की। एक दो तीन चार पाँच, ई सब्जी वाला के। और ई चाय वाला के। ओनी खातिर इतना पैसा? ए छे दी, तू लोग जानता जाके हमरा कुछ पता नहीं के चलत ना। वो बेचारा अपन पेट काट काट के सामान पहुंचाओ तड़ासन, आ तू लोग सोच रहे कि बस ऐसा ही होके गप 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 भर ले जाए, पैसा नहीं दिए। अरे हाथ आई लक्ष्मी के टुकराइल ना जला, कितना कमाई बा उनके। ए बाबू हराम के कमाई बड़ी रोवाई, आ केतनो भर ले जाना नाई सहाय। अरे मरती ईमानदारी से दूगो रोटी मिल जाने तो कर बड़ा कीमत पर जाए, सब गड़बड़ा दिला बक मरती में। अच्छा सुनो हाई ला एक गिन ला, एक ही गांव में भिजवा दी है। ठीक ना, आई सब 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 आइयो ले ला। ठीक धारा सबके पैसा दे दी है। आ सुनो जोन हम पिछला दिल रही मनी ऑर्डर चल गिल ना। चल गिल बहुत बढ़िया, यह भेज दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उर्वशी उर्वशी मम्मी हमके डिस्टर्ब मत कर, ई का सर पे घंटी बजावे लगलू। तो तार किताब पढ़ल ज्यादा जरूरी बा ना भगवान की आरती से, तू जा ही जा से। बताओ ना
अजीबे लड़की बिया, ये तो भगवानों से निखेड रहा। ले आरती ले पहले। खुश बुझाता तर पापा आ गए ना। उर्वशी बेटे, पापा आज इतनी जल्दी आ गए? तुझसे एक बहुत खास बात करनी है इसलिए। मुझसे? क्या पापा? ये मंगरू कौन है? आपको कैसे पता? बेटी मैं तेरा बाप हूँ इसलिए सब कुछ जानता हूँ, पर तू उसे कब से जानती है? पापा मैंने आपको बताया था ना, वो कपड़े बांटने वाला लड़का। अच्छा अच्छा, वो जोकर? ना पापा, मंगरू तो एकदम हीरा लड़का है, ईमानदार है। मुंबई जैसी जगह में उसने इतने कम समय में अपनी जगह बना ली है। मुझे उससे कब मिलवा रही है? मैं उसे कल ही बुलाती हूँ। तू कल उसे बुला, मैं उसका इंतजार करूंगा। बाय बेटा। बाय। इतने बाद में फोन करा, बिजी बनी। उर्वशी बगीचे में कह बोलो हमरा की? तुमको किसी की भावनाओं की कदर थोड़ी ना है। पिछले एक घंटे से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो, सॉरी। इतनी दूर क्यों बैठे हो? पास आओगे तो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। अरे बाप रे, इनमें हाई खाए के कौन बात बाटे। लो भैया हम आ गए। बहुत गुस्सा में बाड़ू। अरे भाई, हमनी के देहाती आदमी नहीं जाना। अब का होला कि दस को काम बाटे सवेरे उठ के। अब तो समझते बाड़ू, काम बताई तोहरा से। हाँ मैं सब समझती हूँ, पर ये बॉम्बे है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू होती है। हमनी के मजदूर आदमी हैं जा, जब हमनी के काम मिल जाए तब भी हमनी के टाइम शुरू हो जाए। अब इतना परफेक्ट कैसे चल सकेंगे? सवेरे सवेरे फोर ले दस को आदमी आ गया, भैया हाई काम बा, हाउ आ गया, भैया हाई काम बा। अरे सबका के देखे पड़ेगा। हाँ भाई, आप तो दादा आदमी है, सब लोग आपसे डरते हैं, आप जब चाहे किसी को भी मार सकते हैं। बस ना, अब ये सब उल्टा पुल्टा बात कर बो, ऐसा नहीं कुल कुल फालतू बात का टाइम नहीं क्या मेरा पास? अरे बाबा, तुम तो समझते ही नहीं मेरे दिल की प्रॉब्लम। दिल की प्रॉब्लम? हार्ट में ही प्रॉब्लम बाका। ओह माय गॉड जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? इतना दिल में प्रॉब्लम नहीं खे, तोरा अखियों में प्रॉब्लम बा, के दिन में तोरा लव करता है। मंगरू आई लव यू। तुम्हारी इसी अदा और भोलेपन पे तो मुझे प्यार आता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी पापा से भी ज्यादा। पापा क्या हो गया? मैं असली बात बताना तो भूल ही गई। पापा आपसे मिलना चाहते हैं। पापा? हाँ। हमसे मिलना चाहते हो? आ जाए। अभी चलो चलो। फिर आ जाए ना। नहीं नहीं चलो ना, बैठो मंगरू। हम पापा को लेकर आवत है। अच्छा अच्छा, पापा कहाँ है? ऊपर है। अच्छा अच्छा, गद्दी पर घर। अच्छा क्या बात है बेटी, आज इतनी खुश क्यों है? चलिए, मंगरू आया है ना इसीलिए। पापा ये है मंगरू। अच्छा जी, प्रणाम। तो आप हैं मंगरू, देसी आदमी, परफेक्ट इंडियन जी। तो हर बारे में बहुत कुछ सुन ले बानी। अरे बा भोजपुरी जानी ना? अरे हम देवरिया के हैं, और हमार ससुराल बिहार के गया में बा। अरे अपने और के बानी एकदम से। गायत्री। हाँ। जल्दी आबा। आवतानी। बैठा बैठा। ये है गायत्री, हमारी इकलौती घरवाली। जी जिया। अच्छा देखी, हमार दादी कहले कि दुनिया गोल बा, नहीं लेकिन हमरा लागत था हम आपके कहीं देखले बानी। हम का? कहाँ? हाँ, बम्बई स्टेशन पर। अरे वो पाकिट मार पर्स लेके भागत रहे। हाँ
अरे भाई गायत्री वही लोग जे वहाँ पॉकेट मार से पर्स छीनकर हमरा के वापस कई ले रहे। हाँ। अच्छा, अरे अरे तब तो इनका बहुत एहसान बहाने के ऊपर। अरे वो हमरा एक कार्ड दे रहे ना, कार्ड तो ये सब रख ले बानी। ये कार्ड रोए है ना? फिर तो तारा के बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। अरे ये मत धन्यवाद है, क्या बात बाटी, ये तो इंसानियत के फर्ज बाटे ना। है लेकिन एक बात बताई, एक कॉलोनी में बहुत बड़े बड़े घर बाटे ना, बहुत बड़े बड़े गाड़ी जवाब तक नहीं है। ये के लोग है? ये लोग भी पहले तोहरे खानी रहे, ये लोग के हाथ में भी दूसर के बटुआ लाग गए रहे, लेकिन ये लोग लौटावल ना। अच्छा मंगरू, तू भारत नगर में रहेला ना? हाँ हाँ हाँ। देखा भाई, भारत नगर वासियों के खातिर हमार कंपनी के पास बहुत अच्छा स्कीम है, लेकिन तुहार सहयोग चाहिए। क्या सर बोली? कल दफ्तर में आवा, सब समझा देव। अजीब सर, वादा 10 बजे सर पक्का। तब चलता नहीं हूँ, पाला की चलियो रस्सी। हाँ अच्छा पापा, जा बेटवा जा। हैला भिंडी 1 किलो तौल दा। छेदी ए छेदी। अरे बाप रे चाची, का बात बा, आज सुबह सुबह सब्जी खरीदत बाड़ू? ओ हमार भतीजी, छोरा छोरा पहले ई बतावा किराए के का भइल? तो देवे के ही पड़ी। छेदी ऐसे का देखत बाड़ा? ये हमार भतीजी है गुंजा, काले गांव से आइल बाड़ी। हम जानत बानी। हाँ मौसी, ये तो मंगरू भैया के मौसेरा भाई हवन। हाँ तो मंगरुओं के जाने ले? हाँ मंगरू भैया के गांव में जे मंदिर है बाबूजी, ओहमी तो पुजारी बाड़न। हे काली मैया, कितना छोट दुनिया बनौले बारू। अच्छा मंगरू भैया कहाँ बाड़न? मंगरू भैया तो काम से गए बाड़ा, सांझ के आई। हाँ अच्छा चाची, तू ये पकड़ा, अब हम जात हैं। कहाँ की तैयारी है? हम तो जात हैं बम्बई घूमे। हमू चली मौसी, हमू जाए बम्बई घूमे। हाँ हाँ जा, छेदी तो अपन घर के नहीं कहा, जा जा ली, हम अभय आवत हैं। और ओ सिनेमा हॉल में फिल्म चलेगा, फिल्म और जहाज देखो। देख ले लो ना, चलो चलो बैठा बैठा, चलो आगे दिखाओ। अरे वो का बा? वो तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बा। अरे ये तो कुछ नहीं, यहाँ के बिल्डिंग में ऊपर होला छत पर जहाज ना, हेलीकॉप्टर है। अरे अरे रुका रुका। अरे का हो गया बा? हमरा के सिर्फ शहरी घुमाई बा के कुछ और भी दिखाई बा? और का देखबू? बता दी फिल्म। फिल्म? अरे फिल्म में का है? फिल्म में हम हीरो हीरोइन के नाच देखा। अरे तोहार हीरो तो हम हई, हमार नाच देखबू? हीरो और नाच ई मोर मसूर के दाल। अरे ओ हीरोइनवा, जरा ई बेला के फूल अपन बाल में खोस ले, तब फिल्म का तोके सब दिखाई। तो दिखावा। अच्छा ए मंगरू, तनिक एहर आवा बचवा। का चाची? आज हमरा हाथ से एगो पान खाला। खाइले? अरे हम पान नहीं खाइले ना। एगो चाची के हाथ से ले ला बचवा। अरे हम पान नहीं खा, इतना प्रेम छा छाता तो चॉकलेट खिया दो। दे दे दे। जाना था बचवा, ये दुनिया गोल बा। हाँ गोल बा। का मतलब? आज हमरा के पता चलल कि हमार बहिन तो हर गांव में बा। ले? हाँ। खाई ले? का मतलब? अरे गुंजा! बाहर आवा बिटिया। गुंजा? कहाँ मसी? देखा देखा बिटिया के आई बा। अरे गुंजा! मंगरू भैया! मंगरू भैया! अरे तू कब आईली हरे? आज ही आईली हाई। आईली तो मौसी बतावली कि तू लोग भी ऐजा पड़ा, पर कहाँ रह रहा सवेरे से खोजत बानी। अरे बाप, हमारा तो विश्वास ही नहीं होते एकदम से। अरे हमारा बहुत काम धाम रह रहा है, का बताई सुबह से लेके शाम तक। ओह अच्छा, तू आपन सुना और बताओ, गांव घरे का समाचार बा? और बताओ सब ठीक बा ना?
जब बाबूजी देखे नहीं जब से हम आयल बनी ना, इतना झमेला में फंस गई आके शहर में ना। अब देखे ना बाबूजी से बातें नहीं की हो पावत, का बताई जब से न तब से तो बात नहीं भेल, का बताई जोन काम। अच्छा हमारे माई कैसन भैया? ठीक भैया, एकदम रहे खुश थे हमेशा न। अच्छा दादी कैसन भैया रे बार, ओ की रामायण बार तो कोई सुनौती नहीं हुई? सब ठीक बा भैया। ए हमार चिट्ठी उठी पहुंचे ना घरे ना? अच्छा ये बता हमरा विषय में लोग का कैसे कैसे बतियावे ला गांव में? कहे की का बा भैया, लेकिन दिक्कत तो बटले नु बा। का आज ही बीमार रहे, ओकरा इलाज में 1000 रुपए लाग गए, और जोन कर्जा तो चढ़ा के आयल बाड़ा वो अभी तक नहीं खे दियाई। हर महीना मनी ऑर्डर भेजिला, हमर मनी ऑर्डर नहीं खे मिलत। अगर तू मनी ऑर्डर भेजले रहता तो काहे ना मिलत? बहुत दिक्कत में बाऊ लोग, अब तारा के कैसे बताएं? हे सूर्य भगवान, इतना बड़ छल हो सकेला आदमी के साथ, अपने दोस्त के द्वारा, अपने भाई के द्वारा इतना बड़ अविश्वास। का दिन ये गुंजा का बताओ दिया, हमरा से धोखा नहीं होके की चाहिए। अरे वो मंगरू कहाँ बाड़े? अरे जाए ससुरा भाड़ में। अरे वो अगर अच्छा आदमी होई तो हमका इतना मेहनत करे के पड़ती? अरे बाबू भाई के मारे के बाद केहू भी आदमी करोड़पति बन जाए, पैसा ही पैसा कमाए, पर ये बनी साधु, सब्जी वाला किराने वाला सब हफ्ता देत रही, लेकिन नहीं ये उल्टे पैसा लो पैसा। और ऊपर से गांव में हर महीने मनी ऑर्डर भेजत रहे। मनी ऑर्डर भेजेला, ये तो बहुत अच्छी बात बा। अरे अच्छी बात का, हम ओकर एको मनी ऑर्डर नहीं भेजे तो का किए? अरे ससुरा ये दारू कौन पैसे की पिया रहा है? अरे ससुरा छाती मंगरू, अरे तू इतना नीचे गिर सकेले, इतना नीचे गिर सकेले जीवन में कब सोच ले रही हम? दारू पिए के रहे तो हमारा से पैसा मांगल रहते, अगर तू दारू पीने नहीं जी सकेले तब तो रखा तेरे कहीं से पैसा लेके देती रे, कहीं से लिया के देती। लेकिन मनिया डर नहीं भेज के तू हमारा के जिंदा मार दे, तू जिंदा। अरे मगर पहाड़ पर तो गिर के जी सकेला रे, लेकिन हमारे माई बाबू की नजर में गिर के नहीं जी सकेला, अपने भाई बाबू की नजर में गिर के नहीं जी सकेला। बात करना, अरे भैया हम बार बार कहते हैं, हम देखा हमारा से ढेर लकड़ पेश मत बतियावल कर, हम गांव के आदमी यही सोच सोच बात जानी ला, कह देनी तो कह देनी। हाँ ऐसे करके हमारा एक काम करके दे दा बस, थैंक यू। का बात बा मंगरू भैया? छेदी के अपना कैला पे बड़ा पछतावा बा, उ तोरा से माफी मांगे के चाहत बाड़। जौन काम हमारे संग कैले बाड़ ना, ये संसार में कोई दोस्त संगे नहीं करत हुई। हमार ना करीजा फाट के रह गिल बाटी, बहुत दर्द भइल बाटी, बात करत बाड़ जा। मंगरू भैया छेदी भाई रात भर रोत रहला, अगर तू ना माफ करबा तब पता ना कुछ कर मत लेबे। तो का करी? तो का करी? कर मत ले कहाँ बाड़े? नीचे में बैठल बाड़े। जा तू लोग जा जा। छेदी जी जरा ऊपर आइए ऑफिस में। मंगरू भैया हमसे गलती हो गई, हम के माफ कर दे, हम ऐसा काम कभी ना करें।
अरे मर्ति, विश्वास बहुत बड़ चीज होला, तोरा समझी के ना चाहिए। खैर छोड़, माफी तो हमरा मांगे के चाहिए, हम तरह पर हाथ उठा देनी। ना, तू हमार आँख खोल दे ले। मंगरू भैया, हमने के मिलके ही प्लान बनाओ ले बाणी के सब अपना अपना महीना में से कुछ ना कुछ गांव जरूर भेजल जाए। ठीक बा, तो सही कहता है, चल चल भैया, हमका माफी दे दे, फिर रोवा मत हमरा के। चल देखो मंगरू, ये वो जमीन है जहां तुम्हारी बस्ती बसी हुई है, और हमारी कंपनी तुम्हारी बस्ती को तोड़कर यहां ये बिल्डिंगें बनाना चाहती है। लेकिन सर, हमारा बस्ती के लोग जाए कहां? मंगरू, हर बस्ती वाले को हमारी कंपनी पक्के मकान बनाकर देगी। हाँ, पक्का मकान? हाँ भाई, पक्का मकान। नहीं साहब, हमरा की मत फसाई जा, हम गांव के सोझ आदमी हैं। सरी, झोपड़ा तोड़ के पक्का मकान कैसे बन सकेला? देखो मंगरू, ये जो जमीन है ना, ये जमीन मैंने सरकार से खरीद ली है। मैं ये बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग बस्ती वालों को बना कर दूंगा, और बाकी वहां ऐसी बिल्डिंगें बनाऊंगा और उन्हें बेचूंगा, जिसमें हमें मुनाफा होगा करीब 25 करोड़, और उसमें 2 करोड़ तुम्हारे। 2 करोड़ हमार? हाँ। वो कौन बात की? अरे भाई, तुम्हारी मेहनत के, बस्ती वालों को मनाने के। हाँ सर, हमरा के पैसा मिले ना मिले फर्क नहीं के पड़त, लेकिन अगर हमरा बस्ती वालों के पक्का मकान मिली तुम जरूर बात कर सकेंगे। मंगरू, मकान भी पक्का और हमारी जबान भी पक्की। डन सर, डन। कुल बतिये खत्म हो गए। तो फिर मैं हाँ समझूं? सर, आपकी जुबान हमारी जान। अरे वाह, प्रणाम। प्रणाम। मौसी, अरे तू लोग समझत क्या नहीं खजा, सबका के पक्का मकान मिल जाए रहे खातिर। देख बचवा, ये बड़ लोगों के खाली बड़ बड़ बात, तू देख लिया, देवे समय सब पलट जाइए जा। अरे कैसे पलट जाए? कैसे पलट जाए भाई? सबका के पक्का कागज बना के मकान मिली एकदम मोहर मार के। मंगरू भैया, कोनो धोखाधड़ी तो न हुई ना? सवाल ही नहीं क्यों उठत? लेकिन मंगरू भैया, बिल्डर के बात के ज्यादा भरोसा ना करे के चाहिए। दाम्बोवाड़ी के तोड़ के बड़ा बिल्डिंग बना देलस, लेकिन ओहिजा के लोग आज तक झुगी झोपड़ा में रहला, आज तक घर ना मिलस। देखा छेदी भाई, पीछे के एकरा संगे का भइल बाटे, हमरा ओकरा से कोनो मतलब नहीं। हम खाली ई जानत तानी कि हमारे को सपना बाटे, हम चाहत तानी कि तोह लोग के रहसन अच्छा हो जाए, और फिर जौन ठेकेदार ई बनावत बाटे ना बिल्डिंग, वो कोई अनजान आदमी नहीं खे। अरे वो उर्वशी के पापा हुए हो। अरे माने समझ ला कि हर तरफ से हमने के फायदा। ठीक बा मंगरू भैया, हमने के तोरा पे विश्वास बा, हमने तोरा साथ बनी, हमने के राजा मन बनी। कहो भैया, सही कहा ना? देखा यार, साहब आई हो गई। नमस्ते भाई, नमस्ते जी। प्रणाम, स्वागत करते हैं आपके हमनी की बस्ती में। कैसे हो बेटा? प्रणाम। आई यहाँ के बिल्डर साहब, यहाँ के, अरे जो बनाओ था बिल्डिंग हवा। नमस्ते, नमस्ते। हम राशन वाला आओ, और नायक जी। नमस्ते। मंगरू जी, ई वो पेपर है, यहाँ लोगन के आप दस्तखत ले ली। जी जी जी। देखिए, आप सब जितनी भी जल्दी हो सके ये बस्ती खाली कर दीजिए, ताकि काम जल्दी शुरू किया जा सके। जी बढ़िया भैया। बाढ़ के बारे में? बाढ़? हाँ हाँ जी, वो समस्या भा की जब ये लोग यहाँ से जाके कहीं और रही तो कर भाड़ा कैसे मिली? देखो भाई मंगरू, जब तक इन्हें जगह नहीं मिलती, ये जहाँ भी रहेंगे इनका भाड़ा हमारी कंपनी देगी। खुश बड़ा जा लोग ना। चला ठीक। चाची, अब तू नया घर में रहू, खुश हो ना? हाँ, ये सब खुशी लावे वाला एक के आदमी है, और वो है हमार मंगरू। वो है हमार मंगरू।
ए बिल्डर साहब, पैखनमा घरवा में हम मशीनिया जरूर लगाए जेकरा बटन दबौला से हर से पनिया बोहेला। बस बस बस, अच्छा हम साहब को छोड़ के आओ ठीक ना, अभी तुम लोग अपना काम करा जा। अच्छा नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे बिल्डिंग नहीं महल खड़े हो। रमा सकेला। अरे मंगरू आओ बेटा, आओ आओ बेटा। जी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। सरी कागज सारा बस्ती के लोग हस्ताक्षर कर देले बटे, अब कब वो काम शुरू कर सकेला। मंगरू बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कब नहीं, बस्ती के लोग बहुत खुश बाटे, कभी भी काम शुरू कर सके ना। भगवान तुम्हें खुश रखे। चलते नहीं सर। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। सुबोध बाबू देख लेने ना सपना कितनी जल्दी सच होला। अरे भाई इतनी जल्दी काम हो जाएगा विश्वास नहीं। इतना ज्यादा मुनाफा तो हमनी के आज तक कोनो बिल्डिंग में ना भेल रहे। पूरा चौगना मुनाफा हुआ है, चौगना। सुबोध बाबू अब अपना दोस्ती के रिश्तेदारी में बदल देवे के चाहे, अब हमें देर ना करे के चाहे। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली समधी जी। हम तो पहले से बोलत रहली, लेकिन हमारी बात सुने तब ना, ये का हो गेल। मंगरू भैया के कैसे ने पता चले वहां की बात। हाँ हाँ चल चल अंदर चल, मंगरू भैया बता ले। चल ना, अरे पहले तू चल, चल तू चला। अरे चल, 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 तू चला। अच्छा चल। अरे चला। और बताओ जा का हाल चल बा। एक का बा के भैया ये बात बता, सुबोध जी से बात हो गई। नहीं बात तो नहीं भेला, कहे का बात बा। घरवाना दी का, वो तो कब से बन के तैयार बटे। अरे नहीं ओकरा में भी कुछ शायद काम वाम बचल हुई नहीं तो। ना भैया वो घर में तो लोग आके रह भी लगला का। हाँ हम अपना आँख से देख के आता नहीं। हाँ भैया ए फोन लगाओ तो, फोन लगाओ तो। नंबर का बा 9820045596 दे। अरे बीजी बोला था मर्दे। फोन लगाओ उर्वशी के, उर्वशी के का नंबर बा 9820056789 रिंग जात बा लो। हाय मंगरू कैसे हो। हाँ उर्वशी, अरे पापा कहाँ बने तुहार। पापा तो दूसरी साइड पर हैं, क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या। अरे वो का पता चलो कि बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, ओकरा में लोग रहे लागल, और हमनी के तो बिल्डिंग देवे के पड़ी सब, गरीब आदमी कैसे सब होता हो। अच्छा चिंता मत करो मैं पापा से बात करती हूँ। नहीं बहुत जल्दी बात करो, बड़ा सीरियस मामला बटे, पोजीशन खराब हो जी हमार। पापा मंगरू के कई बार फोन आ गए, अब बस्ती वालों के घर कब दे रहे हैं। कभी नहीं। क्या हमने वो बिल्डिंगे बेच दी हैं और उससे हमें चौगना मुनाफा हुआ है। ये जानते हुए भी कि वो बस्ती वालों की जमीन है और कितने विश्वास के साथ उन्होंने आपको दी है। विश्वास, कानून मुंह जबानी विश्वास को नहीं मानता बेटे। अब उस जगह और बिल्डिंगों का मालिक तेरा बाप है मैं। प्रवास सरासर बेईमानी कर रहा बनी। अरे वो गरीब और भोला भाला लोग के धोखा देहल के मतलब समझा था नहीं, भगवान के धोखा देहल भाई। अरे जिंदगी में आगे आने के लिए लोगों को जिंदगी से बेदखल किया जाता है। मैंने तो कुछ लोगों को सिर्फ जमीन से बेदखल किया है। मंगरू के साथ विश्वासघात करने का मतलब जानते हैं। अरे मंगरू जैसे गंवार कितने आए और कितने गए। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। खबरदार अब किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है।
आज के बाद तेरा घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद। अगले हफ्ते विशाल आ रहा है, आते ही तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। और सुन, अब अगर तूने मंगरू से मिलने की कोशिश की तो तेरी जबान खींच कर तेरे हाथ में रख दूंगा, समझी? और सुना, अगर तू हमारा काम में टांग अड़ा लू तो हमसे बुरा केहू ना हो, समझ लू? भैया तू हमनी के कहीं के ना रह देला। हां हां मंगरू भाई, तू हमनी के कहीं के ना रह देला। अच्छा अपनी बर्बाद हो गई, जौन भी जैसन भी टूटल फुटल हम घर में रहत रहली, वो भी हम तोरा खातिर गवा देले बानी। ये ठीक नहीं भइल बा, हम बता दे तारे। मंगरू भैया, आजकल हमनी के हाल धोबी के कुकुर बिलाली हरो गेला, घर के ना घाट के धोबी कुत्ता बाट के। अरे हम तो उहे खरी कहत रही, ई बड़ लोगन के बात में मत आवा जा। ई लोगन के कोनो जात होला का, ताकि हमरा केहू सुने तब ना। और लइका घड़ी घड़ी आवत रहे, जब काम निकल गई तो फोनो नहीं खे उठा। लोगन के दिल पे राज करे वाला मंगरू अचानक विलन हो गई। तो चल आज हम हिसाब किताब तौलीन का सा। बस राजा बहुत बोल राजा। अरे ठहरा भैया, कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अबे यार, अरे अरे रुका भैया, रुका। क्या सोच रहा है अपना? क्या हो मना के लिए हवन मजाक? ये हमारी नौकरी चल रही है। मारो चार पर नहीं, दिमाग ठीक हो जाए। खा रहे जी के क्या बोल रहा है भैया? सुनो मजाक मत कर। अरे क्या बात है मंगरू, दफ्तर में आकर इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? ये हम का सुनता नहीं, बस्ती वालों के होने के घर नहीं मिली। लगता है किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। बस्ती वालों को अगले हफ्ते तक उनके पक्के मकान मिल जाएंगे। आप झूठ बोलता नहीं, आप झूठ बोलता नहीं। अब तो ओकरा में आके लोग रहे भी लागल। हम आपके एक जबान पे बस्ती वालों के झोपड़ा खाली करा के आपके दे देली, और अब आप रंग बदल रहे बानी। मंगरो, तुम अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हो। और अगर तुम समझ रहे हो कि मैं रंग बदल रहा हूं तो ठीक है, मैंने रंग बदल लिया है, अब जो मर्जी में आए करके देख लो। ए बिल्डर साहब, गरीब आदमी के जज्बात से खेल बड़ा खतरनाक होला। अब तक हम आपके बुजुर्गत के ख्याल करत रहनी और आपके विश्वास के बड़का भारी मंदिर समझ ले रहनी, अब ना। अब तक आप हमारे सराफत देख ले बानी, अब हमारे औकात देखो। बंगरो चिल्लाई मत, चिल्लाए हमरो आवेला। अगर हम आपके एक इशारा पे झोपड़ा खाली करा के दे सकेला तो आपके हलक से निकाल के बस्ती वालों के घर वापस भी दे सकेला। और अब ये हो, ये हमारे हलक से तुम निकालोगे? तुम कौन है तुम्हारे पास? तुम्हारी बस्ती में रहने वाले वो यूपी बिहार के दो कौड़ी के दूध बेचने वाले भैये, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? आग लगा दे, आग लगा दे। अगर यूपी बिहार के भैया लोग आप जैसे लोगन के दूध पिला सकेला तो समय एला पर आप लोगन के छठी के दूध भी याद करा सकेला। और अब ये होई, ये होई। चल रे, चल। हाँ नायक बाबू। हाँ बोली। आज सुबह मंगरू दफ्तर आया था और बोलकर गया है कि दो दिन के अंदर अगर मकान के कागज नहीं मिले तो वो हमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे आप चिंता ना करें। अरे चिंता काहे ना करें भैया, देखिए दो दिन के अंदर हमें कोर्ट में पहुंचकर एफिडेविट पर मोहर लगवाना बहुत जरूरी है, उसके बाद कोई भी कानूनी तौर पर हमसे घर नहीं ले सकता, इसलिए परसों हमारा कोर्ट पहुंचना बहुत 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 जरूरी है। पर बार-बार कुछ नहीं, सब उपाय हो गए बा। अरे बेने बाबू भाई जेल से छुटके आ रहा बा। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बात मंगरू को पता नहीं होगी। ये रास्ता क्यों जाम है? ए के है तू? क्यों बे, ये रास्ता क्यों जाम है? आज रास्ता बंद बा, खुली ना। बाबू भाई अब क्या होगा? मुझे तो लगता है कि ट्रैफिक जानबूझकर रोका गया है।
अरे 12 बजे हमें कोर्ट पहुंचना है भाई। हाँ। सेठ बाबू भाई कहते हुए फिक्र नहीं करने का। ए, रास्ता खाली कराओ, जल्दी खाली करावा। ए भैया, का बाटे की आज के जाम तनी ज्यादा कड़ेर लाग गेल बाटे बड़े साहब, आ खोले में थोड़ा टाइम लागी। ओ तो तू है तब? तेरे से तो पुराना हिसाब भी चुकाना है। और ये जो तेरे साथी है ना, तेरी अर्थी आज अपने साथ ले जाएंगे। हमारा अर्थी उठावे के सपना तो और भी आदमी देखत बाड़े। आज से तो हो गए, कोनो फर्क नहीं के पड़ा। वैसे एक बात ध्यान से सुन ले, वातावरण बहुत गर्म बा, अगर हमनी के बीच में अले ना तो पिछला बार तो जेल गए रहले, एना पर सीधा ऊपर चल जीवे। मंगरू, इस तरह ट्रैफिक जैम करने का मतलब, आखिर तुम चाहते क्या हो? कागज, हमारे बस्ती वालों के कागज दे दी। झगड़ा करे मार कोनो विश्वास नहीं, झगड़ा कर चाहता नहीं, हम सीधा कागज लेके अपने रास्ते, तो अपने रास्ते। मंगरू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसका परिणाम जानते हो? परिणाम हम जानत नहीं, लेकिन जब कागज नहीं मिली तो ओकर जन परिणाम हुई न सुबोध कांत साहब, तू नहीं खजानत। ए बहुत फड़फड़ा रहा रे तू। अरे चोट्टा, कहीं का कहीं जब दू गो बड़ा आदमी बात कर लो ना, तब बीच में नहीं बोले के चाहिए। तेरी मैं तो भाई। अरे गोली चले बरस। आगे मत बढ़ वरना इस साले की खोपड़ी उड़ा डालूंगा। बाबू, ये मेरी बेटी है, छोड़ दे इसे। चुप। बाबू भाई सिर्फ अपनी जान की फिक्र करता है, किसी और की नहीं। उर्वशी, उर्वशी बेटी। बेटी, बेटी तू कैसी है बेटी? देखा आपने, जिस पे आप इतना विश्वास करते थे, आज वही लोग आपकी बेटी के दुश्मन बन गए, और जिसके साथ छल करते थे, आज वही मंगरू हमारी जान का रक्षक बन। हाँ बेटी, आज ये बात मेरी समझ में आई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, बहुत शर्मिंदा हूँ। रुसी, रुसी। मंगरू बेटे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि संसार में रुपए पैसे के अलावा भी बहुत कुछ होता है।
मंगरू बेटा, छेदी। चल मदन। मंगरू बेटा रुको, इधर आओ। रुको बेटा। बेटे ये सारे दस्तावेज हैं, बस्ती वालों के मकान के रख लो। बाबूजी, अगर यही चीज पहले मिल गई रही ना, तो आज इतना सारा कुछ नहीं भेल रही। मंगरू बेटा, एक पुरानी कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे माफ कर दो। जो निसर में अबानी ना बाबूजी, उस शहर में बहुत सारे ऐसे मोड़ बटे जहां आदमी भुला सकेला, लेकिन आप याद रखी कि आप पूरब से बानी, उत्तर प्रदेश बिहार के मिट्टी से बानी। अगर आपके कोनो काम गंदा है शहर में होई ना, तब पूरा उत्तर प्रदेश बिहार पूरा पूरा बदनाम होई। हाँ बेटा, तेरी ये बात हमेशा याद रखूंगा। छेदी, ये मंगरू कोई साधारण आदमी नहीं है, किसी और ही मट्टी का बना हुआ है। मैंने उसे वादा किया था कि काम होने के बाद मैं उसे 2 करोड़ का चेक दूंगा। मैं जानता हूं कि वो बहुत खुददार आदमी है, खुद से कभी नहीं मांगेगा। तू मेरी तरफ से उसे ये 2 करोड़ का चेक दे देना। मंगरू भैया, और एक बार फिर मंगरू उहे भेष बना ले लें जैसे बंबई आई रहले। आज हमार जो अभिनंदन होता, जवन सम्मान होता, ओकर हम पात्र नहीं थी, बल्कि ये सम्मान में आप लोगन के बड़ी योगदान बा। कहे कि हमरा एक बेरी कहला से आप लोग इतना विश्वास कर ली जा हमारा ऊपर कि अपन सब जमीन जायदाद दांव पर लगा देनी जा। एकरा खातिर हम आपके बड़ी आभारी बानी। लेकिन आज हम एगो बात आपसे जरूर कहल चाहतनी कि अब हमारे शहर में मन उपजिया गेल बा, हमार गांव हमके बुलावत हो। कहें कि गांव के बिना मंगरू अधूरा बा। हमरा गांव में श्री कृष्ण चाचा एगो कविता हमेशा कहत रहे, आज हमरा याद आवता तो हम लोग यहाँ खड़ा होके कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। आदमी के जहर का असर देखने, आदमी के जहर का असर देखने, सांप भी गांव से अब शहर जाएंगे, सांप भी गांव से अब शहर जाएंगे, सांप भी गांव से अब शहर जाएंगे। फिर से हम अपने गांव की डगर जाएंगे। मंगरू कहाँ बाड़े? मंगरू भैया तो गांव गए लन। का? हाँ। का भैये? वो ना अब। और छेदी? छेदियों उनके साथ गए लन। बाबूजी। ना बिटिया ना। तू चिंता मत करा। सब ठीक हो जाएगा। ओम भूमि शांति, पताल शांति, वायु शांति, अग्नि शांति, ओम शांति शांति। रवा ईटा पहले रखी। नहीं नहीं बाबूजी रखी ना बाबूजी। ना ना हम नहीं, तोहर माई रखी। अरे ना ना मंगरू, आज के ईटा तोहर दादी रखी बेटा। हा, 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 अरे अच्छा दादी, दादी कहा भैया? हवा होती है दादी। अरे आ बेटा, चल चल चल। अरे दादी इके हा? अरे हम तो तोके बहुत लायक समझले रहली, लेकिन तोहरे जैसा नालायक क्यों ना, समझला? इगुल का कहता रही? का कहता नहीं, अपने चली आईला और हमरे पतो की वहाँ छोड़ गईला। पतो? कैसन पतो? ला देखला, चिन्हला। अरे उर्वशी,
हाँ आज उद्घाटन हमरे संगे हमार पतोह करी बुझला। अच्छा हेने आवा शर्मावा जिन आवे हेने। हाँ आवा बेटिया कितना नीमन जोड़ी बा। हाँ वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस कन्या विद्यालय के लिए मेरी तरफ से ये तुझ भेंट, लेकिन इसे दहेज मत समझना। अब बोला।